नमस्कार, बोलता हिमाचल देख रहे आप और मैं हूँ राम भारद्वाज। आज है 6 सितंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। कर्मचारी पेंशनर हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम संजोली मामला आबकारी अधिनियम विधानसभा सत्र में दो विधेयक पारित किए गए, क्या खबर अपडेट इसकी देने वाले है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में आज और आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा उसके अपडेट्स भी हम आपको इस न्यूज बुलेटिन में देने वाले हैं। तो लास्ट तक आप इस न्यूज बुलेटिन को जरूर देखिएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश सरकार फिर लेगी 700 करोड़ रुपए का लोन, अधिसूचना जारी। राज्य सरकार ने वीरवार को 700 करोड़ रुपए का लोन लेने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये कर्ज 15 साल की अवधि के लिए लिया जाएगा। इसे 11 सितंबर 2039 तक चुका दिया जाएगा। इसका ब्याज हर साल 11 मार्च और 11 सितंबर को चुकता किया जाएगा। 11 सितंबर को इस ऋण का भुगतान राज्य सरकार के खाते में होगा। ये कर्ज विकास कार्यों के लिए लिया जा रहा है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बोले, एचआरडीसी कर्मियों पर लगाएंगे पूरी कमाई। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि एचआरडीसी में जितनी कमाई होगी उसे कर्मचारियों के वेतन और रुके हुए भत्ते दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो कमाई करेंगे वे कर्मचारियों पर खर्च होगी, क्योंकि कर्मचारियों ने 50 साल तक प्रदेश की सेवा की है। अग्निहोत्री ने कहा कि गुरुवार को जैसे ही सरकारी कर्मचारियों को वेतन आया वैसे ही एचआरडीसी कर्मचारियों को भी वेतन दिया है। इससे पहले 1 तारीख को उनका वेतन व पेंशन की अदायगी होती रही है। हिमाचल हाईकोर्ट ने सार्वजनिक शौचालयों की राशि खर्च न करने पर मांगी रिपोर्ट। पंचायती राज विभाग के निदेशक और स्वच्छ भारत मिशन को सार्वजनिक शौचालयों को बनाने के लिए जारी राशि खर्च न करने पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए है। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जब पूरे देश में शौचालयों को चिन्हित किया गया तो हिमाचल में ऐसा क्यों नहीं किया गया। अदालत ने स्वच्छ भारत मिशन को पर्यावरण विज्ञान और तकनीकी विभाग के साथ मिलकर प्रदेश में सभी सार्वजनिक शौचालयों की लोकेशन को पिन करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कीर्तपुर बिलासपुर सड़क पर सार्वजनिक शौचालयों की बेहद खराब स्थिति पर एनएचआई को अदालत की अगली सुनवाई में रिपोर्ट दायर करने को कहा गया है। 2 लाख कर्मचारियों के खाते में आया वेतन, पेंशनरों को 10 सितंबर का करना होगा इंतजार। हिमाचल प्रदेश के 2.25 लाख कर्मचारियों के खातों में वीरवार को वेतन आ गया है। पेंशनरों को अभी 10 सितंबर का इंतजार करना होगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने पहले इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि कर्मचारियों को 5 तारीख और पेंशनरों को 10 तारीख को पेंशन मिलेगी। राज्य के इतिहास में पहली बार हुआ है कि सरकारी कर्मचारियों को 5 सितंबर को वेतन दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि कर्मचारियों का वेतन 5 तारीख तक टाले जाने और पेंशनरों की पेंशन को 10 तारीख तक टाले जाने से सरकार कर्ज के ब्याज से बच जाएगी। ये बचत 3 करोड़ रुपए मासिक और 36 करोड़ रुपए सालाना होगी। ईएमआई के भुगतान पर पेनल्टी न लगाने का अनुरोध विशेष सचिव वित्त रोहित जम्बाल ने राज्य स्तरीय बैंक कमेटी के उप महाप्रबंधक को भेजा पत्र। विशेष सचिव वित्त रोहित जम्बाल ने राज्य स्तरीय बैंक कमेटी के उप महाप्रबंधक और डीजीएम को एक पत्र लिखा है जिसमें अनुरोध किया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के उनके खातों में आने तक ईएमआई पर पेनल्टी या ब्याज नहीं लिया जाए। ये पत्र हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी के महासंघ के अनुरोध पर भेजा गया है। इको टूरिज्म से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, केरल और कर्नाटक की तर्ज पर विकसित होंगे पर्यटन स्थल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की 69% वन भूमि है। इको टूरिज्म से हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसको लेकर पॉलिसी बनाने में कुछ अड़चने हैं। उन्होंने कहा कि कई ऐसे अनछुए स्थान है जहां इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी विधायक केवल सिंह पठानी की ओर से लगाए गए वन संरक्षण अधिनियम और इको टूरिज्म पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाने के संबंध में लाए गए संकल्प के दौरान दी है। उन्होंने कहा कि केरल और कर्नाटक की तर्ज पर हिमाचल में पर्यटन स्थल विकसित होंगे। विधानसभा में राष्ट्र मंत्री की भाषा पर विपक्ष ने जताई आपत्ति, सदन से किया वॉकआउट।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के 8वें दिन सदन में राज्य मंत्री जग सिंह नेगी के शब्दों पर काफी बवाल देखने को मिला। आपदा पर सदन में नियम 102 के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने सरकारी संकल्प सदन में पेश किया और केंद्र सरकार के 2024-25 के बजट अभिभाषण में आपदा प्रभावित 3 राज्यों सिक्किम, असम और उत्तराखंड की तर्ज पर हिमाचल में हुई आपदा में उसी तरह आर्थिक सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। संकल्प पर राष्ट्र मंत्री जगत सिंह नेगी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और विपक्ष के नेता पर भी निशाने साधे, जिस पर काफी बवाल हुआ और विपक्ष ने जगत सिंह नेगी की भाषा पर आपत्ति जताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सदन में गैर सरकारी सदस्य दिवस पर आपदा को लेकर सरकार सरकारी संकल्प लेकर आई है जो नियमों के मुताबिक नहीं आ सकता था, लेकिन फिर भी विपक्ष ने इसका समर्थन किया क्योंकि मसला प्रदेश की केंद्र से आपदा में मदद दिलाने के लिए था। लेकिन बीच में सरकार के बेलगाम मंत्री जग सिंह नेगी ने जो ना तो सरकार की सुनते और ना ही स्पीकर की सुनते है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे जो बर्दाश्त नहीं किए जा सकते है, इसलिए विपक्ष सदन से बाहर आ गया। अवैध शराब पर सख्ती के लिए कड़ा किए कानून, सदन में अबकारी संशोधन विधेयक पारित। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में गुरुवार को सदन में अबकारी संशोधन विधेयक पारित किया गया है। अवैध शराब पर सख्ती के लिए कानून को कड़ा किया गया है। अबकारी संशोधन विधेयक पर चर्चा में रणधीर शर्मा ने कहा कि ये संशोधन जरूरी है। विधेयक में बहुत से संशोधन लाकर नियमों को कड़ा किया है। इसमें पुलिस का काम बढ़ा दिया है। पुलिस पर पहले अधिक बोझ है। थानों में कर्मचारी सीमित है, वे थानों के काम के बजाय इसमें उलझे रहते हैं। एम्स बिलासपुर में हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू करने की तैयारी, पहाड़ी क्षेत्रों में आपदा के समय मिलेगी मदद। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो देहरादून के एम्स ऋषिकेश के बाद ये सेवा शुरू करने वाला एम्स बिलासपुर दूसरा संस्थान होगा। ये सेवा प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बेहद आवश्यक मानी जा रही है। 20 सितंबर को एम्स ऋषिकेश में हेली एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन होगा और इसी आधार पर एम्स बिलासपुर में भी इस सेवा को अपनाए जाने की योजना है। वर्तमान में एम्स बिलासपुर ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की योजना बनाई है। इसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि सेवा की शुरुआत कब से की जाएगी और इसके लिए कौन सी एजेंसी अधिकृत होगी। सरकारी स्कूलों को साल में 3 बार करवानी होगी पेरेंट्स टीचर मीटिंग, आदेश जारी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों को वर्ष में 3 बार पेरेंट्स टीचर मीटिंग करवानी होगी। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों को एक बार फिर ये निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत स्कूलों को जून, सितंबर और नवंबर महीने के पहले सप्ताह में ये मीटिंग करवाने को कहा गया है। साथ ही इसकी रिपोर्ट भी निदेशालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ विभाग ने जून महीने में कितने स्कूलों ने ये मीटिंग करवाई इसकी रिपोर्ट भी जिलों से तलब की है। मीटिंग में बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में अभिभावकों से चर्चा की जाएगी, इसकी रिपोर्ट भी स्कूलों को देने को कहा गया है। इसके अलावा इसमें नई योजनाएं भी बनाई जा सकती है। हालांकि विभाग ने इसके लिए परफॉर्मा भी जारी किया है जिसे भरकर स्कूलों को देने को कहा गया है। HRTC बसों में NCMC कार्ड सुविधा शुरू, कई सुविधाओं का मिलेगा लाभ। HRTC की बसों में अब यात्री UPI क्रेडिट डेबिट कार्ड सहित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC से भी टिकट राशि का भुगतान कर सकेंगे। मेट्रो की तर्ज पर निगम की बसों में ये कार्ड चलेगा। वहीं ये कार्ड देश के अन्य राज्यों में भी चलाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त इस कार्ड से यात्री पार्किंग फीस सहित शॉपिंग भी कर सकेंगे। HRTC बसों में NCMC कार्ड का शुभारंभ वीरवार को मुख्यमंत्री सुखबर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि HRTC बसों में कैशलेस सेवा को बढ़ावा देने के लिए NCMC कार्ड की सुविधा शुरू की है। HRTC प्रबंध निदेशक रोहन ठाकुर ने बताया कि इस कार्ड को चलाने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। ये कार्ड सबसे अधिक वहाँ काम आएगा जहाँ इंटरनेट कम रहता है या इंटरनेट की सुविधा नहीं है। ऐसे में यात्री बिना इंटरनेट के भी टिकट का ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। निगम की बसों में चलने वाला ये नया NCMC कार्ड पहली बार मात्र 100 रुपए में बनेगा। इसके बाद व्यक्ति इसे अपने बैंक अकाउंट से रिचार्ज कर सकता है या फिर निगम के किसी भी बस काउंटर में जाकर टॉप अप रिचार्ज करवा सकते हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला अब अपार से करेगा विद्यार्थियों का मूल्यांकन है।
हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अपार के माध्यम से विद्यार्थियों का मूल्यांकन करेगा। ये योजना CBSE बोर्ड की ओर से शुरू की जा रही पर्क की तर्ज पर होगी। इस दौरान अभ्यर्थियों को 30 घंटे का एक क्रेडिट मिलेगा, जबकि साल में 7 क्रेडिट होंगे। क्रेडिट अभ्यर्थियों के अकादमिक बैंक से जुड़ेंगे, जहां से उनकी प्रतिभा का मूल्यांकन किया जा सकेगा। अपार के माध्यम से तैयार अकादमिक बैंक के जरिए कंपनियां उनकी मांग के अनुरूप अभ्यर्थियों का चयन कर सकेगी। योजना में तीसरी, पांचवी, आठवीं, नौवीं से लेकर बारहवीं कक्षा को शामिल किया जाएगा। शिक्षा बोर्ड ने योजना पर काम शुरू कर दिया है। योजना के तहत छात्रों के अपार नाम से एक ID बनेगी, इसमें उनका अकादमिक डाटा रखा जाएगा। इसमें दर्शाया जाएगा कि कौन सा छात्र किस विषय में प्रतिभावान है और उसकी क्या रुचि है। अकादमिक बैंक के जरिए शिक्षा बोर्ड छात्रों का क्रेडिट डाटा भी तैयार करेगा। हिंदुवादी संगठनों ने की नारेबाजी, विवादित ढांचे को गिराने की मांग, 2 दिन का अल्टीमेटम। समुदाय विशेष के धार्मिक स्थल में अवैध निर्माण को तोड़ने की मांग को लेकर हिंदुवादी संगठनों ने संजोली बाजार में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान संजोली चौक से डेली टनल और यहां से वापस संजोली चौक पर लोगों ने एकत्रित होकर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। प्रदर्शन के कारण दोपहर करीब 1.5 घंटे वाहनों की आवाजाही प्रभावित रहे, इससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। संजोली चौक पर लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 2 दिनों में अवैध निर्माण को नहीं तोड़ा तो वे हजारों की संख्या में एकत्रित होकर द्वारा प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। मुख्यमंत्री सुख बोले, कानून व्यवस्था को तोड़ा तो सरकार करेगी कार्यवाही। शिमला के संजोली में मस्जिद विवाद को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख ने कहा है कि प्रदेश में सभी नागरिक एक समान है, सभी धर्मों का सम्मान है। जो भी कानून व्यवस्था को हाथ में लेगा, सरकार उस पर कड़ी कार्यवाही करेगी। कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का किसी के पास कोई अधिकार नहीं है। विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक हो, उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था को तोड़ने की इजाजत ना तो किसी राजनेता को और ना ही राजनेता के समर्थक को। संजोली विवाद का क्या कारण रहा है, क्यों विवाद बढ़ रहा है, इस पर सरकार ने गहनता से विचार किया है। शिमला में सरकारी बस में छात्रा से अश्लील हरकतें, HRDC के 2 कर्मचारी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से सटे सुन्नी थाना के अंतर्गत सरकारी बस में सफर कर रही एक छात्रा के साथ अश्लील हरकतें करने का मामला सामने आया है। मामले में HRDC के 2 कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी सरकारी बस में छात्रा के साथ सफर कर रहे थे। छेड़खानी करने वाला एक आरोपी HRDC का चालक को दूसरा मैकेनिक बताया जा रहा है। वेदर अपडेट, हिमाचल में 11 सितंबर तक जारी रहेगा बारिश का दौर, भूस्खलन से 68 सड़कें ठप। हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में 11 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। उधर जगह जगह भूस्खलन के चलते गुरुवार तक एक राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 68 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही, 3 पोल भी क्षतिग्रस्त है। इसके अतिरिक्त 13 बिजली ट्रांसफार्मर भी प्रभावित चल रहे हैं। सितंबर महीने में अभी तक सामान्य से 22% कम बारिश दर्ज की गई है। शिमला को छोड़कर अन्य सभी जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। खबर किन्नौर से, किन्नौर के पू में सड़क हादसा, पिकअप गिरने से 3 महिलाओं की मौत, चालक सहित 4 घायल। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के पू खंड में गुरुवार सुबह बजरी और मनरेगा कामगारों को ले जा रही पिकअप गाड़ी चालक के नियंत्रण खो देने से खाई में जा गिरी। हादसे में पू की 3 महिलाओं की मौत होगी, जबकि चालक और 3 अन्य महिलाओं को गंभीर चोटें आई है। घायलों को करचम से हेलीकॉप्टर के माध्यम से IGMC शिमला भेजा गया। हादसा कैसे हुआ, इसके बारे में पुलिस छानबीन कर रही है।